स्टार्ट करना है। हाँ हाँ गुड आफ्टरनून एवरीवन। गुड आफ्टरनून सर। चलो क्या पढ़े थे हम कल? ऑब्जेक्शंस ऑफ म्यूटेशन। क्या पढ़े थे? ऑब्जेक्शंस ऑफ म्यूटेशन पढ़े थे, यानी कि हमने क्या पढ़ लिया था, म्यूटेशन थ्योरी पूरा कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हमने देखे थे कुछ व्हाट इज म्यूटेशन, म्यूटेशन क्या होता है, उसके बाद हमने क्या देखे, मेन फीचर्स देखे म्यूटेशन थ्योरी के, और क्या देखे हम ऑब्जेक्शंस भी देख लिए थे। सो आज हमको जो न्यू थ्योरी को पढ़ना है, उस थ्योरी का नाम है मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी। क्या पढ़ना है, क्या पढ़ना है? मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी। मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, क्या पढ़ना है हमको? मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। तो चलो इस थ्योरी को पढ़ने से पहले, मैं आपको आपके साथ कुछ बातें करना चाहता हूँ, उसको हम पहले क्लियर कर देते, बाद में हम क्या करेंगे इस थ्योरी की तरफ देखेंगे। देखो अगर मान लो, आपको मैथ के सर ने कुछ होमवर्क दे दिया, क्या दे दिया, अगर मैथ के सर ने आपको कुछ होमवर्क दे दिया, तो उस होमवर्क को अगर थोड़ी आपको होमवर्क सॉल्व करने में दिक्कत आ रही है, क्या आ रही है, कुछ न्यूमेरिकल्स थे या कुछ प्रॉब्लम्स थे उसमें आपको क्या आ रही है, दिक्कत आ रही है, तो आप क्या करते हो, अगर आप अपने कॉपी में लिख रहे हो वो बार बार आंसर आपका गलत हो रहा है, तो आपका एक बार एक माइंड क्या बोल देता है, जाओ दी नहीं इतना आप चला है ना, ऐसे बोलते हैं ना, हमारा माइंड बोलते कि नहीं, दिक्कत आ रही है आपको उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। मेरी आवाज आ रही क्या? हाँ सर। हाँ देखो मैंने क्या बोला है, आपको मैथ के सर ने कुछ होमवर्क दिए है, कुछ प्रॉब्लम्स दिए है, उसको आपको सॉल्व करना है। तब क्या हुआ, जब आप सॉल्व करने बैठ जाते हो उसमें उसको, तो आपको सॉल्व ही नहीं हो रहा है, यानी कि आपका जो आंसर है वो आ ही नहीं आ रहा है, तो आप क्या हो जाते हो, डिस्टर्ब हो जाते हो उसमें। हाँ सर। ऑब्वियसली हाँ, क्योंकि आपका माइंड क्या बोल लेगा, कितनी बार मैं इसको ट्राई कर रहा हूँ लेकिन मुझे आंसर ही नहीं आ रहा है, बार बार क्या हो रहा है, वो गलत हो रहा है। तो आप क्या कर देते हो, अगर मैं उस जगह होता है तो मैं क्या कर दूंगा, उस पेज को फाड़ देता। बार बार आप क्या करते हो, अगर गलत हो रहा है तो पेज को फाड़ देते, जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना हमारे, उसका अगर कोई भी चीज अगर रॉन्ग हो जाता है तो क्या कर लेते हैं, पेज को फाड़ लेते हैं, ऐसे ऐसे कर लेते हैं फेंक देते हैं। आपने देखा होगा बहुत बार बच्चों को ऐसे करते हुए। हाँ तो देखो मैंने आपको ये क्यों बोला या क्यों बताया, हमको जो मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन के अगर अगर बारे में अगर बात करना है, तो अगर कोई भी अगर काम अगर हमको करना है, तो कैसे करना चाहिए, सिस्टमैटिकली, एंड कैसे करना चाहिए उसको, सिस्टमैटिकली होना चाहिए ना, वो कि ना हमने उसको पेज को फाड़ दिया और कहीं पर फेंक दिया, और पेज को फाड़ दिया कहीं पर फेंक दिया, ऐसे हम करेंगे क्या, गंदा काम करेंगे क्या, या अच्छा क्लीन काम करेंगे? क्लीन काम करेंगे। ऑब्वियसली अगर कोई भी काम करना है हमको, वो सिस्टमेटिक होना चाहिए, उसमें क्या होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए। अगर आपके मम्मी ने, अगर लड़कियां है तो मम्मी ने क्या बोला, बेटा जा वो बर्तन क्या कर, बांझ ले, बर्तन क्या कर, धो ले, अगर ऐसे बोला तो क्या आप उस बर्तन को लेके जाओगे और धड़ाक से ऐसे पटाक दोगे, ऐसे होगा क्या, करोगे क्या? लड़कियां नहीं सर। उसको क्या करोगे, एक पॉट पे लेके जाओगे, अच्छे सर से उसको रखोगे, उसको धोओगे, बाद में उसको वॉश करोगे, या फिर उसको जो बर्तन है हमारा साबुन वगैरह उससे धोगे, उसके बाद आप फिर उसको पानी से क्या कर दोगे, वॉश कर दोगे। तो यही हमारा सिस्टमेटिक होता है, क्या होता है, सिस्टमेटिक होता है। अगर हमको कोई भी काम करना है तो कैसे करना चाहिए, सिस्टमेटिक, ना कि अगड़म बगड़म, ऐसे पटक दिया, कोई भी यहाँ पर एक बर्तन यहाँ पर है तो दूसरा बर्तन वहां पर है, तीसरा बर्तन वहां पर है, ऐसे हम नहीं रखते हैं। तो वैसे ही हमारी मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन क्या बोलते हैं, अगर कोई भी अगर बायोलॉजी की अगर बात की जाए, या कोई भी इसके बारे में, या कोई भी अगर हमको स्टडी करना है बायोलॉजी की,
कोई भी स्टडी करना है अगर हमको बायोलॉजी की, तो उसमें हमको क्या करना चाहिए, सिस्टमेटिकली स्टडी करना चाहिए. क्या करना चाहिए, सिस्टमेटिकली स्टडी करना चाहिए. जैसे हम हमारे काम करते, जैसे हमारे हम काम करते, अगर काम भी करना है हमको तो कैसे करना चाहिए, सिस्टमेटिकली. अगर हमने हमको होमवर्क दिया है, ना कि हम बार बार वो पेज को फाड़ेंगे फेंक देंगे, पाड़ेंगे फेंक देंगे और पूरे घर में क्या कर देंगे, हम कचरा कर देंगे, ऐसे नहीं होता. उसके बाद अगर हमने ऐसे किया तो हमारी मम्मी भी हम क्या करेगी, कचरा करेगी. करेगी मम्मी हमारा अभी कचरा, करेगी ना? हाँ, करेगी सर. कि नहीं? ऑब्वियसली, क्योंकि हमने पूरा पेज फाड़ दिए है, पूरा बुक का सत्यानाश कर दिया है, तो बाद में हमारी मम्मी भी हमारी पीठ का सत्यानाश करती है, पता है ना आपको? हाँ, सर. तो इसको हम सिस्टमेटिकली बोलेंगे क्या? सिस्टमेटिकली हम किसको बोलेंगे, अगर वर्क दिया है हमको, अगर नहीं समझा है तो वहां पर ही हम स्टॉप कर देंगे, और आगे वाला अगर नहीं समझा है तो हम सर से पूछेंगे कि सर हम पे आगे वाला स्टेप समझ में नहीं आ रहा है, ना कि हम क्या करेंगे, बार बार उसको सॉल्व करेंगे और पूरे पेज फाड़ देंगे और फेंक देंगे, पेज फाड़ देंगे और फेंक देंगे. इसको हम सिस्टमेटिक काम नहीं बोलते. तो मॉडर्न थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन क्या बोलती है, अगर कोई भी हमको अगर बायोलॉजी को स्टडी करना है तो कैसी करनी चाहिए, सिस्टमेटिकली करनी चाहिए. कैसे करनी चाहिए, सिस्टमेटिकली, या उसमें कोई और उसमें क्या होना चाहिए, एक डिसिप्लिन होना चाहिए. क्या होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए. चलो, इस थ्योरी को पढ़ने से पहले मैं आपको एक फ्लो चार्ट देता हूँ, उस फ्लो चार्ट को हम समझने की कोशिश करते हैं, और इस फ्लो चार्ट की बदौलत ही पूरे पॉइंट्स को हम क्या करेंगे, कवर करेंगे. क्या करेंगे, कवर करेंगे. तो आपको सिस्टमेटिक समझ में आया क्या, मॉडर्न थ्योरी कैसे होनी चाहिए, या कोई भी अगर हमको काम करना है तो कैसे करना चाहिए, डिसिप्लिन से करना चाहिए. कैसे करना चाहिए, डिसिप्लिन. बोलो, डिसिप्लिन से. डिसिप्लिन. हम कॉलेज में गए, कॉलेज से आए, कपड़े उतारे और ऐसे ही हमने फेंक दिए, ये हमारा डिसिप्लिन है क्या? नहीं. नहीं. तो क्या करना है, अच्छे से कपड़े निकालने हमको, और वहां पर जब हम कपड़े रखते हैं वहां पर हमको जाके कपड़े भी लटकाने है, ये हमारा डिसिप्लिन है. चलो, ये जो मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन है, देयर आर थ्री टाइप की होती है. तो कौन सी होती है, देखो, फर्स्ट होती है जेनेटिक वेरिएशन. जेनेटिक वेरिएशन. दूसरा होता है नेचुरल सिलेक्शन. नेचुरल सिलेक्शन. और थर्ड होता है हमारा आइसोलेशन. आइसोलेशन. तो देखो, मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी में हमको कितने टाइप की थ्योरीज पढ़नी है. फर्स्ट थ्योरी पढ़नी है जेनेटिक वेरिएशंस. जेनेटिक वेरिएशंस में क्या होगा, जीन में क्या हो जाएगा, बहुत सारा वेरिएशंस देखने को मिलेगा. एक जीन है तो जीन किससे रिलेटेड है रे, किससे रिलेटेड है, हमारे जेनेटिक मटेरियल से ही रिलेटेड है ना? हाँ सर. जीन, जीन किससे रिलेटेड है, जेनेटिक मटेरियल से ही है ना? हाँ सर. हाँ सर. हाँ, तो हमको देखना है जो हमारे जीन्स होंगे, जो कि क्या होंगे, रिस्पॉन्सिबल होंगे किसी भी चीज के लिए, तो वो भी देखेंगे हम जेनेटिक वेरिएशंस में. जो हमारा मॉडर्न थ्योरी है, फर्स्ट टाइप है हमारा जेनेटिक वेरिएशन. दूसरा है नेचुरल सिलेक्शन. हमने नेचुरल सिलेक्शन हमको पता है, अच्छे से पता है, नेचर किसको सिलेक्ट करता है रे, जो नेचर को. कैसे हो, नेचर किसको सिलेक्ट करता है, फिटेस्ट वन. जो फिटेस्ट वन किसको सिलेक्ट करता है, फिटेस्ट वन, यानी कि जो कैसे हो, यूजफुल हो, नेचर को यूज, उसका यूज बारंबार बार बार उसका यूज कर सकते हैं, न्यू स्पेसिस का फॉर्मेशन कर सकते हैं, उसको ही क्या करेगा, नेचर सिलेक्ट कर देगा. ये है हमारा नेचुरल सिलेक्शन. फिर आइसोलेशन. आइसोलेशन मीन्स क्या होता है, पता है आपको, आइसोलेशन मीन्स क्या होता है, पता है क्या? नहीं. विभागनी, जिसको हम मराठी में विभागनी बोलते हैं. देखो, अगर मान लो आपने देखा होगा, एक ये वाला यहाँ पर, एक ये कौन सा कलर है, येलो कलर है. कौन सा कलर है, येलो कलर है. और ये वाला ब्लू कलर है, ब्लू कलर है, येलो कलर है, ब्लू कलर है. और मैंने क्या कर दिया,
इन दोनों कलर को मिक्सअप कर दिया, इन दोनों कलर को मिक्सअप कर दिया, कुछ मुझे ब्लू कलर, यहाँ पर कुछ व्हाइट कलर, सॉरी येलो कलर, कौन सा कलर, येलो कलर। और मैंने आपको बोल दिया कि जो आपको यहाँ पर जो ब्रैकेट दिख रहा है इसमें से आपको क्या करना है, येलो कलर और ब्लू कलर को क्या करना है, यानी कि जो भी कुछ येलो कलर के कोई भी सामग्री होगी उसको क्या करना है, अलग करना है, और ब्लू कलर की सामग्री को क्या करना है, अलग करना है। तो आप कर पाओगे उसको अलग अलग? नहीं नहीं, कलर नहीं है, कलर नहीं है, कलर की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। कुछ येलो कलर से कुछ पार्टिकल्स है या कुछ वस्तुएं है और ब्लू कलर की कुछ वस्तुएं है, तो उसका आप अलग अलग नहीं कर सकोगे? कर सकेंगे, कर सकते, क्या कर सकोगे, उसको अलग अलग कर सकोगे। तो जिसको हम एक ही ब्रैकेट में है या एक ही एक ही जगह पर है उसको हम क्या कर सकते हैं, जिसको हम क्या करेंगे, अलग अलग करेंगे, दोनों में से अलग अलग सेपरेट सेपरेट कर देंगे, उसको क्या बोलते हैं हम, आइसोलेशन बोलते हैं, यानी कि सेपरेट कर देना। ऐसी चीज है जो मिक्सअप है तो उसको हम क्या करेंगे, सेपरेट कर देंगे, क्या कर देंगे, सेपरेट कर देंगे, उसको हम क्या बोलते हैं, आइसोलेशन बोलते हैं। बाद में आपको पता चल जाएगा आइसोलेशन क्या हो जाता है। देखो मैंने क्या बोला था कि क्या है, कुछ येलो कलर्स के कुछ बॉल्स है और ब्लू कलर्स के कुछ बॉल्स है, और मैंने आपको बोल दिया कि अलग करो, येलो कलर के बॉल्स को अलग करो और ब्लू कलर के बॉल्स को क्या करो, अलग करो। ऑब्वियसली क्या करोगे आप, उसको अलग अलग कर दोगे, यानी कि उसको क्या करोगे, आइसोलेशन करोगे, क्या करोगे, आइसोलेशन करोगे। तो समझ में आया आइसोलेशन क्या होता है, अलग अलग कर देना। गर्ल समझ में आया कि आइसोलेशन क्या होता है? यस अनामिका क्या बोले, आइसोलेशन के लिए एक दूसरा कोई स्पेसिफिक वर्ड बताइए ना। आइसोलेशन के लिए डिफरेंट यानी कि सेपरेट बोल सकते हैं, सेपरेशन, सेपरेट, अलग अलग कर देना, जिसको हम मराठी में बोलते हैं विभागनी भी बोल सकते हैं, विभागनी, क्या बोलते हैं उसको, विभागनी। अब समझे? हाँ सर। हाँ, यानी कि उसको अलग अलग कर सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, आइसोलेशन। अभी आपको ये समझ में आएगा, सिर्फ मैंने आपको जनरल जनरल बताया, जब हम डीपली उसके बारे में बात करेंगे तब आपको जाके समझ में आ जाएगा। तो चलो, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ मॉडर्न सिंथेटिक थियोरी ऑफ इवोल्यूशन, कौन सी है, जेनेटिक, बोलो, जेनेटिक वेरिएशन, जेनेटिक वेरिएशन, हाँ, सेकंड, नेचुरल सिलेक्शन, और थर्ड, फर्स्ट पढ़ना है हमको जीन म्यूटेशन। आपको म्यूटेशन अच्छे से पता है क्या होता है, क्या होता है म्यूटेशन, सडन चेंज इन जेनेटिक मटेरियल। यस, दूसरा हमको पढ़ना है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन और पढ़ना है जीन फ्लो, जीन फ्लो, और पढ़ना है जेनेटिक ड्रिफ्ट, ड्रिफ्ट, जेनेटिक ड्रिफ्ट। नेक्स्ट क्रोमोसोमल अबरेशन, जेनेटिक अबरेशन, जिसमें हमको पढ़ना है फर्स्ट डिलीशन, डिलेशन, दूसरा पढ़ना है हमको डुप्लीकेशन, थर्ड पढ़ना है हमको इन्वर्शन, और फिफ्थ पढ़ना है हमको ट्रांसलोकेशन।
ट्रांसलोकेशन। तो देखो जेनेटिक वेरिएशन हम क्या पढ़ रहे हैं, मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी में हमको कौन से टॉपिक पढ़ने हैं जेनेटिक वेरिएशंस में। अगर देखो आपको एक क्वेश्चन आता है मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, राइट नोट्स ऑन मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन ऐसे क्वेश्चन आता है, तो आपको इन तीनों, अगर आपने इस फ्लो चार्ट को अगर अच्छे से कर लिया है तो आपको कोई दिक्कत नहीं आ जाएगी, दिक्कत नहीं आ जाएगी कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने। इसको मैं थोड़ा क्लियर करता हूँ। देख इसमें क्या देखने हमको दे रहा है, थ्री टाइप्स, तीनों के बारे में हमको लिखना पड़ता है, जेनेटिक वेरिएशन, नेचुरल सिलेक्शन एंड आइसोलेशन। देर आर थ्री थ्योरीज ऑफ मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। इसमें जो जेनेटिक वेरिएशन है जो कि कौन कॉज करेगा, पूरा जीन कॉज करेगा, यानी कि जो कि किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, हमारा डीएनए, आरएनए या प्रोटीन्स जिसमें हमारे क्या होते हैं जीन्स लोकेटेड होते हैं, वही क्या करेंगे कुछ वेरिएशंस लाएंगे बॉडी में, कुछ वेरिएशंस लाएंगे बॉडी में, उसको हम क्या बोलते हैं जेनेटिक वेरिएशंस बोलते हैं। उसमें हमको देखना है जीन म्यूटेशन। जीन म्यूटेशन मीन्स क्या होता है, कोई भी चेंज आ जाएगा हमारे बॉडी में जिसको हम सडन चेंज बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं म्यूटेशन बोलते हैं। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन यानी कि क्या होगा, अगर मान लो ए वाला एक क्रोमोसोम है और एक दूसरा क्रोमोसोम है, हमने देखा है जब क्रॉसिंग ओवर हो जाता है, यानी कि क्या होते हैं मेल के एंड फीमेल के गमेट क्या हो जाते हैं मिक्स हो जाते हैं, यानी कि जो भी जीन्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं मिक्स हो जाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन बोलते हैं, है ना, आपको पता है ना। हाँ सर। क्रॉसिंग ओवर पता है ना, क्रॉसिंग ओवर। हाँ सर। हाँ सर। तो क्रॉसिंग ओवर में क्या हो जाता है, फादर के तरफ से आने वाले और मदर की तरफ से आने वाले जीन्स क्या हो जाते हैं मिक्सअप हो जाते हैं ना। हाँ सर। तभी तो कुछ कैरेक्टर्स हमारे तरफ हमारे मम्मी के आते हैं और कुछ कैरेक्टर्स हमारे तरफ पापा के आते हैं, तो ऐसा है हमारा रिकॉम्बिनेशन होता है, यानी कि जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन देखना है। फिर जीन्स कैसे फ्लो होते हैं, कैसे फ्लो होते हैं हमारे बॉडी के अंदर या जो भी ऑफस्प्रिंग होगा। फिर उसके बाद हमको जेनेटिक ड्रिफ्ट पढ़ना है और क्रोमोसोमल एबरेशन पढ़ना है। एबरेशन मीन्स क्या होगा, ऐसे क्रोमोसोम जिसके अंदर क्या हो जाएगा, जो जीन्स होंगे उसमें कुछ चेंजेस देखने को मिलेगा। तो जैसे कौन से चेंजेस देखने को मिलता है, पहला डिलेशन हो जाता है। डिलेशन अगर मान लो अगर ये कोई ऐसा सीक्वेंस है, मैंने अगर यहाँ पर लिख लिया ABCDE, ऐसा कोई अगर सीक्वेंस है, ऐसा अगर ये कोई सीक्वेंस है तो आगे जाके अगर वही सीक्वेंस को आप बोलोगे ना, तो यहाँ से आपको अगर मान लो इतना वाला सीक्वेंस क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा, यानी कि डिलीट। फिर जिन में क्या देखेंगे हमको, CDE, यानी कि इतना सीक्वेंस जो आगे वाला ए एंड बी का सीक्वेंस होगा वो क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। वो देखेंगे कैसे क्या होता है, मैं जनरल बता रहा हूँ। डुप्लीकेशन मीन्स क्या होगा, अगर यहाँ पर ए बी सी डी ई है, ऐसा एक सीक्वेंस है, तो अगर वही सीक्वेंस आप देखोगे तो उसका डुप्लीकेशन हो जाएगा, डबल हो जाएगा, ए बी और यहाँ पर सी डी, ऐसे क्या देखने को मिला हमको सीक्वेंस में, डुप्लीकेशन देखने को मिला। दिख रहा है आपको, समझ रहे क्या ये, मैं जनरल बोल रहा हूँ, जनरल है ये। हाँ सर। सभी को समझ रहे है क्या, कि सिर्फ साक्षी को और गौरव को ही समझ रहे? नहीं सर, समझ रहा है। समझ रहा है। मैं सिर्फ अभी आपको पूरा पढ़ा नहीं रहा हूँ, मैं सिर्फ जनरल बातें कर रहा हूँ आपको समझने के लिए। तो जैसे डिलीशन में क्या हो रहा है, अगर एक सीक्वेंस है तो एक सीक्वेंस का कोई भी पार्ट या कोई भी जीन्स क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, यानी कि आगे वाले सीक्वेंस में वो सीक्वेंस दिखेगा ही नहीं। जैसे कि देखो यहाँ से ए बी डिलीट हो गया, सिर्फ सी डी ई ही दिख रहा है, ऐसा इसको हम डिलीशन बोलते हैं। दूसरी इसमें क्या हो रहा है, अगर मैं इतना ए दो वाले जीन को अगर मैंने ले लिए, इसका क्या देखने को मिलेगा, डुप्लीकेशन, यानी जेरोक्स कॉपी, ए बी ए बी, देखो यहाँ पर आपको देखने को मिला, यानी कि क्या हुआ, उसका डुप्लीकेशन हुआ। वही अगर बात की जाए इन्वर्शन की, तो इन्वर्शन क्या होता है, वही सीक्वेंस, अगर मान लो यहाँ हमारा ABCDE है, इसका इन्वर्शन कैसे हो जाता है पता है आपको, इन्वर्शन मीन्स क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उल्टा। तो देखो यहाँ पर ए था, सबसे लास्ट कौन सा था, ई था, तो ई पहले आ जाएगा, फिर डी आ जाएगा, फिर सी आ जाएगा, फिर बी आ जाएगा, और फिर ए आ जाएगा, यानी कि क्या होगा, इन्वर्शन, यानी कि उल्टा होगा, समझे इन्वर्शन क्या होता है। हाँ सर।
हाँ सर हाँ, और ट्रांसलोकेशन मीन्स क्या होता है, अगर मान और वही सीक्वेंस है ए बी सी डी वाला, ए बी सी डी, ए बी सी डी, अगर यहाँ से अगर मैंने यहाँ पर ए बी सी डी कर दिया तो कैंसिल ही हो जाएगा, दिखेगा ही नहीं किसी सीक्वेंस में, और उसकी जगह यम यन ऐसा उल्टा टुलटा कोई भी और नया सीक्वेंस आ जाएगा, और सी डी ऐसी दिखेगा ही नहीं पूरे सीक्वेंस ए बी, उसको हम क्या बोलते हैं ट्रांसलेशन, यानी कि उसने क्या कर दिया ट्रांसफर कर दिया किसी और में, किसी और में क्या कर दिया उसको, उसने अपने आप को ट्रांसफर कर दिया, उसको हम क्या बोलते हैं ट्रांसलोकेशन बोलते हैं। तो समझे, यहाँ पर आपको देखो न्यू सीक्वेंस देखने को मिला एम एन ए, जो अभी तक हमको कहाँ पर भी दिखने को नहीं मिला था, समझे। हाँ सर, हाँ सर। गर्ल्स आपकी आवाज नहीं आ रही, क्लियर है क्या इतना? हाँ सर। चलो तो ऐसा है हमारा डिलेशन। हाँ सर, हाँ हाँ, डिलेशन, डुप्लीकेशन, इनवर्शन एंड ट्रांसलोकेशन। तो ऐसे हमको ये सभी चीजें हमको क्या करने हैं, पढ़ने हैं, किसमें, जेनेटिक वेरिएशंस में। हम अभी तक पढ़े नहीं है, हम अभी तक पढ़े नहीं है, सिर्फ जनरल जनरल क्राइटेरिया देख रहे हैं कि हमको क्या क्या पढ़ना है, क्योंकि बहुत बड़ी थ्योरी है। नेचुरल सिलेक्शन अकॉर्डिंग टू जो क्या रहेगा फिटेस्ट रहेगा वही क्या करेगा, नेचर उसको सिलेक्ट कर देगा। हम नेचुरल थ्योरी के बारे में बहुत सारे बातें पढ़ चुके हैं, अगर किसी को म्यूटेशन होता है तो म्यूटेशन भी कैसे होता है ना, हार्मफुल एंड कैसा होता है यूजफुल, तो नेचर किसको सिलेक्ट कर देता है, हार्मफुल वाले को करता है या यूजफुल वाले को करता है, यूजफुल वाले को, ऑब्वियसली किसको करता है यूजफुल, यानी कि क्या हो आगे जाके वो क्या करे न्यू न्यू स्पीशीज का फॉर्मेशन करे, तो उसको नेचर सिलेक्ट कर देता है। अगर हमको जिंदा भी रहना है तो नेचर क्या करेगा उसको ही अपने पास रखेगा कि जो कि क्या कर पाएगा उस नेचर में सर्वाइव कर पाएगा या एडॉप्ट कर लेगा, उसी को नेचर क्या कर देता है सिलेक्ट। ऐसे कुछ नेचुरल नेचुरल बातें हैं, इसके बारे में कोई और ऐसे टाइप नहीं है, सीधा हम चलते हैं आइसोलेशन के पास। तो आइसोलेशन, आइसोलेशन में हमको क्या देखना है, आइसोलेशन मीन्स क्या होता है, अगर बान लो आए गए है तो बता देते आइसोलेशन क्या होता है। अगर मान लो ये हमारा इंडिया है, क्या है एक इंडिया है, इंडिया में मान लो एक पॉपुलेशन, क्या है ए पॉपुलेशन, इस पॉपुलेशन में क्या है कुछ वुमन है, वुमन में सब जेंट्स लेडीज सभी आ जाएंगे, और मान लो कुछ एनिमल्स भी है, कुछ प्लांट्स भी है, और कुछ क्या है इंसेक्ट्स भी है, और मैंने आपको बोला कि इनमें से क्या करो सभी चीजों को अलग अलग, सभी चीजों को अलग अलग करो, तो क्या इन पॉपुलेशन में से आप सभी को अलग अलग नहीं कर पाओगे, कर पाएंगे ऑब्वियसली, क्योंकि हमको पता है अगर ह्यूमन है तो ह्यूमन की तरह है कि इंसानों की तरह जो भी देखेंगे हम आप उसको अलग कर दोगे, जिसमें क्या हो ह्यूमन में क्या हो मेल एंड फीमेल एक हो गया इसमें भी, और अगर एनिमल की बात की जाए तो अगर हमने मान लिया डॉग है, एक ही एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, डॉग है, डॉग में भी क्या है आपको मेल डॉग दिखेगा और फीमेल डॉग दिखेगा, वही अगर प्लांट की अगर बात की जाए तो प्लांट में भी हमको देखने को मिलते हैं बहुत सारे ऐसे प्लांट है जिसमें मेल प्लांट और फीमेल प्लांट भी देखने को मिलते हैं, प्लांट को भी आप अलग कर पाओगे क्योंकि उसकी क्या है बॉडी मॉर्फोलॉजिकल है, बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स है, किसके बहुत अलग कैरेक्टर्स के बदलता हम देखेंगे कैरेक्टर्स क्या है, और क्या है इंसेक्ट्स है, इंसेक्ट में भी हमको पता है कुछ कुछ इंसेक्ट होते हैं जो उड़ते नहीं है, कुछ कुछ इंसेक्ट होते हैं वो उड़ पाते हैं, इस पे उसके भी भरोसे हम क्या कर सकते हैं उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो इट इज देखो अगर कोई भी ऐसा बड़ा पॉपुलेशन हो, क्या हो बड़ा पॉपुलेशन हो, तो उस पॉपुलेशन में से आपको क्या करना है उसको डिफरेंशिएट करना है, यानी कि आइसोलेशन करना है। तो मैंने अगर बोला, अगर हम ऐसे भी नहीं बोलते, सिर्फ मैंने आपको बोला कि जो हमारा इतना बड़ा पॉपुलेशन है इनमें से क्या करो सिर्फ आप इंसेक्ट को क्या करो निकाल दो, तो क्या आप निकाल नहीं पाओगे, निकाल पाएंगे सर, निकाल पाएंगे। बताओ मैंने अगर आपको बोला कि हमारा एक पॉपुलेशन है इंडिया के अंदर, तो इसमें से सिर्फ मैंने आपको बोला कि इंसेक्ट को अगर बाहर निकाल, तो क्या आप निकाल नहीं पाओगे, निकाल पाएंगे, निकाल पाएंगे। हाँ, यही तो हमारा आइसोलेशन क्या है, आइसोलेशन यानी कि थोड़ी थोड़ी चीजों को हम क्या करते हैं आइसोलेटेड करते हैं, क्या करते हैं आइसोलेटेड करते हैं, जिसमें से इतना बड़ा अगर इंडिया की अगर बात की जाए कितनी ट्रिलियन ब्रिलियन क्या है हमारी क्या है मिलियन
ट्रिलियन बिलियन क्या है हमारी इतनी जनसंख्या है, तो जनसंख्या में हम क्या उसको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते? कर सकते, यही तो होता है हमारा आइसोलेशन। अगर इंसानों की और अगर बात की जाती, इसमें भी आपने देखा होगा कुछ ब्लैक इंसान होते, कुछ रेड यानी कि थोड़े से बहुत, कोई कोई तो बहुत ज्यादा गोरे होते हैं, अगर उसको भी हम अलग कर सकते हैं तो कर सकते हैं उसको अलग। ऐसी सिचुएशन यानी कि आइसोलेशन मीन्स क्या होगा, छोटे से छोटे पार्ट को हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। तो किसके किसके बेसिस पर हम कर सकते हैं, किसके किसके बेसिस पर हम उसको अलग अलग कर सकते हैं यानी कि डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, तो उसके कुछ बेसिस है, उसके कुछ बेसिस है। चलो बेसिस हम देखते हैं क्या है। तो देखो फर्स्ट बेसिस क्या है उसका, जियोग्राफिकल आइसोलेशन। जियोग्राफिकल आइसोलेशन यानी कि वो कौन से जियोग्राफिकल कंडीशन में क्या करते हैं, प्रेजेंट रहते हैं, उसके बेसिस पर भी हम क्या कर सकते हैं, उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। दूसरा रिप्रोडक्शन आइसोलेशन, रिप्रोडक्शन आइसोलेशन। थर्ड है टाइप्स ऑफ आइसोलेशन, आइसोलेटिंग मैकेनिज्म। तो देखो आइसोलेशन मीन्स क्या होगा, हम जिसको क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं, एक तो हो सकता है जियोग्राफिकल आइसोलेशन और दूसरा होता है रिप्रोडक्शन आइसोलेशन। तो इसी के बेसिस पर टाइप्स ऑफ आइसोलेटिंग मैकेनिज्म, देयर आर टू टाइप्स। अगर रिप्रोडक्शन की अगर बात की जाए, तो देखो रिप्रोडक्शन की अगर बात की जाए तो टाइप्स ऑफ आइसोलेशन मैकेनिज्म देयर आर टू टाइप्स का। एक होता है रिप्रोडक्शन करने से पहले, कौन सी सिचुएशन दिखती है और रिप्रोडक्शन करने के बाद कौन सी सिचुएशन दिखती है। अगर मान लो एक सिचुएशन, अगर आपके आपको अगर मैं बोल दूं रिप्रोडक्शन हम किसको बोलते हैं, रे रिप्रोडक्शन किसको बोलते हैं बताना, व्हाट इज रिप्रोडक्शन? ऑफस्प्रिंग का प्रोडक्शन होना उनके पेरेंट्स से। हाँ, यानी कि क्या होता है, रिप्रोडक्शन इट इज अ प्रोसेस फॉर्मेशन ऑफ न्यू वन, फ्रॉम टू द प्री एग्जिस्टिंग, यानी कि जो हमारे पूर्वज होंगे, पूर्वजों से क्या करेंगे हम, न्यू बेबी का प्रोडक्शन करेंगे। तो देखो जब जो हम रिप्रोडक्शन के जो मैकेनिज्म, आइसोलेशन रिप्रोडक्शन आइसोलेशन देखेंगे, देयर आर टू टाइप्स यानी कि रिप्रोडक्शन के पहले का यानी रिप्रोडक्शन के बाद का। तो पता होगा अगर रिप्रोडक्शन के पहले की अगर बात की जाए तो क्या होंगे, टू पेरेंट्स होंगे। इनके पास क्या है, अपने अपने गमेट, क्या है गमेट है, पापा के पास क्या है अपना स्पर्म है, मम्मी के पास क्या है हमारा ओआ, क्या है ओआ है। तो अब मुझे बताओ क्या ये दोनों भी गमेट्स रिप्रोडक्शन के पहले फ्यूज हुए थे या रिप्रोडक्शन के बाद फ्यूज हुए थे? रिप्रोडक्शन के बाद, बताओ ना हम क्या बोल रहे हैं, मैंने क्या बोला आपको, ये जो रिप्रोडक्शन का आइसोलेशन होता है, देयर आर टू टाइप का, एक तो रिप्रोडक्शन के पहले का एंड रिप्रोडक्शन के बाद का। तो मुझे बताओ ये हमारे मम्मी पापा थे, क्या इनके मम्मी पापा के दोनों भी गमेट्स पहले से ही एक दूसरे में फ्यूज थे या अलग अलग थे उनके पास? अलग अलग थे ऑब्वियसली, क्योंकि उनकी बॉडी भी क्या है, अलग अलग है, तो पापा के गमेट्स पापा के पास, मम्मी के गमेट्स मम्मी के पास। जब इनका फर्टिलाइजेशन हो जाता है, यानी कि क्या देखने को मिलेगा हमको, जायगोट का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। फिर क्या करेंगे, जो दो गमेट है, जो स्पर्म था एंड ओवा था, वो क्या करेंगे, आपस में फर्टिलाइज करके क्या करेंगे, फर्टिलाइजेशन कॉज करेंगे। तो देखो यहाँ पर अगर पहले को हम कैसे थे, सेपरेट थे, जैसे उनमें क्या हुआ, रिप्रोडक्शन हुआ, तो रिप्रोडक्शन के बाद हमको क्या देखने को मिला, जायगोट देखने को मिला, यानी कि रिप्रोडक्शन के बाद हमको क्या देखने को मिला, फर्टिलाइजेशन के बाद देखने को मिला हमको जायगोट। तो जो ये देखो आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बाद या आफ्टर रिप्रोडक्शन के बाद हमको ये जायगोट देखने को मिला, ये भी क्या करेगा, एक तो जायगोट का डेवलपमेंट वो क्या हो जाएगा, एम्ब्रियो में हो जाएगा। तो एम्ब्रियो क्या बनेगा, एक दिन मेल हो सकता है या फीमेल हो सकता है ना? हाँ सर। मेरी बातें समझ में आ रही क्या गर्ल्स आपको?
हाँ सर आ रही। हाँ सर आ रही। हाँ देखो ना मैंने क्या बोला, हमको जो मैकेनिज्म देखना है ना आइसोलेटिंग का रिप्रोडक्शन के, तो देर आर टू टाइप का है। कितने टाइप का है? टू टाइप का, यानी कैसा? रिप्रोडक्शन के पहले का एंड रिप्रोडक्शन के बाद का। रिप्रोडक्शन के पहले हमको क्या देखने को मिलते हैं, टू सेपरेट सेपरेट बॉडी प्रेजेंट होती है, उनके पास खुद के क्या होते हैं, गैमेट्स होते हैं, यानी कि अगर पापा है तो स्पर्म है, मम्मा है तो क्या है, ओवा है। फिर उसमें क्या हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, तो रिप्रोडक्शन के बाद अब यानी कि क्या होगा, फ्यूजन हुआ, दो गैमेट का फ्यूजन हुआ। जैसे ही फ्यूजन हो जाता है तो उसमें क्या हो जाता है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है। फ्यूजन, ये फ्यूजन तक क्या आता है, रिप्रोडक्शन पहले वाला था, रिप्रोडक्शन के पहले का, और जब ये फर्टिलाइज होकर क्या बनाएंगे, जायगोट बनाएंगे, यानी कि क्या हुआ, रिप्रोडक्शन के बाद का प्रोसेस हुआ। रिप्रोडक्शन के बाद का जब ये जायगोट बनेगा तो जायगोट का कन्वर्शन किसमें हो जाएगा, एम्ब्रियो में हो जाएगा। आफ्टर जब वो बेबी चाइल्ड होगा या कोई भी होगा, तो एक दिन वो क्या बनेगा, मेल ही बनेगा, एक दिन वो क्या बनेगा, फीमेल ही बनेगा, है ना, कि दोनों भी एक ही बने। शिवजी तरह के, शिवजी की तरह हुए क्या, आदि गर्ल और आधा शिवजी, आदि पार्वती आधा शिवजी, आपने देखा होगा, ऐसे हुए क्या ये? नहीं हुए। फिर देखो, जैसे यहाँ पर हमको सेपरेट सेपरेट बॉडीज दिखी थी, यहाँ पर भी हमको क्या देखने को मिलेगा, सेपरेट सेपरेट बॉडीज देखने को मिलेगी, सेपरेट सेपरेट बॉडीज देखने को मिलेगी। यही तो फंडा होता है रिप्रोडक्शन आइसोलेशन का, क्योंकि क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं हमको रिप्रोडक्शन के पहले, और क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं रिप्रोडक्शन के बाद, रिप्रोडक्शन के बाद। तो चलो इसकी तरफ हम बात करें, ये समझ में आया क्या आपको? हाँ सर। बहुत तो सूखा सूखा रिएक्शन दे रहे हो आज आप, क्यों थक गए हो क्या? नहीं सर। तो देखो हमको कौन से मैकेनिज्म देखना है, फर्स्ट मैकेनिज्म है ए, प्री मेटिंग मैकेनिज्म, प्री मेटिंग मैकेनिज्म या प्री मेटिंग आइसोलेशन मैकेनिज्म, आइसोलेशन मैकेनिज्म, प्री मेटिंग आइसोलेशन मैकेनिज्म, और दूसरा होता है पोस्ट मेटिंग, मेटिंग होने के बाद, पोस्ट मेटिंग बैरियर्स या मैकेनिज्म, पोस्ट मेटिंग बैरियर्स। तो हमको प्री प्री में क्या देखना है और पोस्ट में क्या देखना है, देखो प्री में फर्स्ट हैबिटेट कहाँ पर रहता है, क्या करता है, कैसे रहता है, सब सिचुएशन आइसोलेशन, हैबिटेट आइसोलेशन, सीजनल आइसोलेशन, सीजनल आइसोलेशन, इथोलॉजिकल आइसोलेशन, इथोलॉजिकल आइसोलेशन एंड मैकेनिकल आइसोलेशन। मैकेनिकल आइसोलेशन जब पोस्ट मेटिंग यानी कि उनका रिप्रोडक्शन हो जाता है तो हमको क्या देखने को मिलता है, कौन से देखने को मिलता है, गमेट, फर्स्ट गमेट मोर्टैलिटी, गमेट मोर्टैलिटी, सेकंड होता है जायगोट मोर्टैलिटी, मोर्टैलिटी। सर उस साइड का दिख नहीं रहा, एक मिनट, हाइब्रिड मोर्टैलिटी, एक मिनट। हाँ देखो, प्री मेटिंग यानी कि मेटिंग होने से पहले हमको क्या क्या देखने को मिलेगा, हैबिटेट आइसोलेशन देखने को मिलेगा, सीजनेबल आइसोलेशन देखने को मिलेगा, इथोलॉजिकल आइसोलेशन देखने को मिलेगा, यानी मैकेनिकल आइसोलेशन देखने को मिलेगा। उसके बाद पोस्ट मेटिंग बैरियर्स में हमको क्या क्या देखने को मिलेगा, जब रिप्रोडक्शन हो जाता है तो गमेट
मोर्टेलिटी, जायगोट मोर्टेलिटी एंड हाइब्रिड मोर्टेलिटी देखने को मिलेगी। क्या देखने को मिलेगा? हाइब्रिड मोर्टेलिटी। तो देखो अगर मैं आपको बात कहूँ ना, यहाँ पर हैबिटेट, सीजनेबल, इथोलॉजिकल एंड मेकानोलॉजिकल, आपने देखा होगा अगर हम पॉपुलेशन में रहते हैं, हम पृथ्वी पर अगर रहते हैं, तो कुछ कुछ एनिमल्स होते हैं जो ओनली सीजनेबल ब्रीडिंग करते है ना, देखा होगा, पता है क्या आपको? ब्रीडिंग करता है सर, सीजनेबल ब्रीडिंग करते हैं। यानी कि अगर मान लो जो हमारे जो डॉग्स होते हैं, जो हम उत्तरा वगैरह कुछ ऐसे मराठी में उत्तरा ऐसे चल रहा होता है, तो उस टाइम में वो ब्रीडिंग करेंगे पूरे वर्ष, यानी कि पूरे ईयर भर वो नहीं करते हैं। अगर हम इंसान है तो हम इंसान कभी भी हम ब्रीडिंग कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं ओनली सीजनेबल ब्रीडिंग करते हैं। क्या करते हैं? सीजनेबल ब्रीडिंग करते हैं। वही अगर उसके हैबिटेट की अगर बात की जाए तो बहुत सारे उसके हैबिटेट होते हैं। हमने देखा होगा कि कुछ एनिमल्स होते हैं एक दूसरे को ऐसे लुलचाते हैं फॉर रिप्रोडक्शन के लिए, बहुत सारे ऐसे क्राइटेरिया, इथोलॉजिकल, मेकोलॉजिकल, आइसोलेशन। फिर हम यहाँ पर गमेट मोर्टेलिटी देखेंगे, जायगोट मोर्टेलिटी देखेंगे, हाइब्रिड मोर्टेलिटी। हाइब्रिड मोर्टेलिटी क्या होता है? ऑब्वियसली अगर यहाँ आपके क्या है, मम्मी है, पापा है, उनकी खुद की एक बॉडी है, दोनों के भी क्या होंगे, गमेट का फॉर्मेशन हो जाएगा, यानी कि सभी कैरेक्टर्स क्या होंगे, आधे आधे आ जाएंगे, तो हम क्या बन गए? हाइब्रिड। यानी कि हम क्या है? हाइब्रिड ही है। हम क्या है? हाइब्रिड ही है। किसके? हमारे मम्मी पापा के। तो ये क्या होता है? हाइब्रिड मोर्टेलिटी होता है। तो बहुत सारे ऐसे बहुत सारे मोस्ट इंटरेस्टिंग क्या होती है चीजें हमको पढ़नी है इसके अंदर, इस मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। तो इतना आपका एक फ्लो चार्ट है, अगर इतने आपने इस फ्लो चार्ट को अगर अच्छे से ऑब्जर्व किया है या इसको भी याद रखा है, तो आप अच्छे से उस आंसर का क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हो। ये लिख लिया आपने? हाँ सर, लिख लिया। सभी ने लिख लिया क्या? हाँ सर। मोर्टेलिटी है ये लास्ट वाला वर्ड है ना, मोर्टेलिटी है तीनों भी, मोर्टेलिटी। अगर अभी आए हैं यहाँ पर तो मैं आपको एक चीज बोलना चाहता हूँ, जो हमारे जब मैं कॉलेज में था हमारे मैम ने बताई थी हमको। आपने रैबिट देखा होगा जो व्हाइट कलर के वगैरह रैबिट होते हैं, जो हमारे कुछ जंगल के रैबिट होते हैं, देखे है रैबिट? हाँ सर देखिए। तो आपको पता है क्या उनमें भी क्या होते हैं? सीजनेबल क्या होते हैं? रिप्रोडक्शन होता है, सीजनेबल रिप्रोडक्शन होता है। तो कभी आपने देखा है क्या कि आंखों ही आंखों में प्यार हो गया और बच्चा पैदा हो गया? कभी सुना है क्या इसे? नहीं नहीं सर, नहीं सर। अगर हाँ, अगर देखो सर क्या बोल रहे हो सर आप ऐसे बातें। हाँ, हमको भी शौक लगा था जब हमारे मैम ने हमको बताया। तो ये जो रैबिट होते हैं ना, रैबिट भी क्या करते हैं, अगर हमको रिप्रोडक्शन करना है तो क्या करना पड़ेगा? दो गमेट को ऑलवेज क्या करना पड़ेगा? रिप्रोडक्शन करना पड़ेगा, यानी कि फ्यूजन करना पड़ेगा, तभी जाके क्या होंगे? हमारे बेबीज होंगे। है ना, यही है ना रिप्रोडक्शन। बेबीज का अगर फॉर्मेशन करना है तो टू गमेट का क्या करना पड़ेगा? फ्यूजन करना पड़ेगा। लेकिन हमारे मैम ने हमको बताया था ये जो रैबिट होते हैं ना, रैबिट वो क्या कर लेते हैं? आंखों ही आंखों से क्या कर लेते हैं? फर्टिलाइज हो जाते हैं। कैसा होगा? होता होगा रे? कैसा होता होगा? हाँ,